हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है हरियाणा विधानसभा की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा की तरफ से 11 वैकेंसियां निकाली हैं और इन सारी वैकेंसियों की डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यहां दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया है 22 अप्रैल 2021 को और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो सभी कैंडिडेट जो यहां पे एलिजिबल हैं वो विद इन 15 डेज इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इन सभी वैकेंसियों की। यहाँ जो सबसे पहली कैटेगरी में वैकेंसी है वो है इंग्लिश रिपोर्टर के लिए, कुल 2 वैकेंसी हैं। इस पोस्ट पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका जो इनिशियली बेसिक पे रहेगा वो 44,900 रुपए रहेगा। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, कैंडिडेट की शॉर्ट हैंड की इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 160 वर्ड पर मिनट है और उसकी ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है। कैंडिडेट को हिंदी और संस्कृत की नॉलेज है अप टू मैट्रिक लेवल या उससे ऊपर किसी भी हायर एजुकेशन में। साथ ही कैंडिडेट को यहाँ कंप्यूटर की नॉलेज है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इन दोनों ही इंग्लिश रिपोर्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दूसरी कैटेगरी में यहाँ पोस्ट है हिंदी रिपोर्टर के लिए, कुल 1 वैकेंसी है। यहाँ जो कैंडिडेट का इनिशियली बेसिक पे रहेगा वो 44,900 रुपए रहेगा। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ग्रेजुएशन में हिंदी उनके पास एज ए सब्जेक्ट हो, या फिर कैंडिडेट ने हिंदी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रखी हो, कैंडिडेट की यहाँ शॉर्ट हैंड की हिंदी की टाइपिंग स्पीड 140 वर्ड पर मिनट हो और उसकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड यहाँ 40 वर्ड पर मिनट है। कैंडिडेट को हिंदी और संस्कृत की नॉलेज है अप टू मैट्रिक या उसके हायर एजुकेशन में। साथ ही कैंडिडेट को यहाँ कंप्यूटर की नॉलेज है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ हिंदी के रिपोर्टर की इस एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में यहाँ वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, कुल 1 पोस्ट है। यहाँ जो आपका जो इनिशियली बेसिक पे रहेगा वो 35,400 रुपए रहेगा। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, कैंडिडेट को जो है वो सफिशियंट नॉलेज हो ऑपरेट करने की और रिपेयर करने की इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को, और उसके अलावा कैंडिडेट को हिंदी और संस्कृत की नॉलेज है अप टू मैट्रिक लेवल या उससे हायर एजुकेशन में, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ जेई इलेक्ट्रिकल की इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी में यहाँ वैकेंसी है जूनियर स्केल सेनोग्राफर के लिए, कुल 1 वैकेंसी है। यहाँ जो आपका बेसिक पे रहेगा वो 25,500 रुपए रहेगा। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, कैंडिडेट की शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट है हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में, और कैंडिडेट की जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट है हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। कैंडिडेट को नॉलेज हो हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज की अप टू मैट्रिक लेवल। साथ ही कैंडिडेट को यहाँ कंप्यूटर की नॉलेज है और यहाँ उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों ही लैंग्वेज में आती हो। पांचवी कैटेगरी में वैकेंसी है रिकॉर्ड रिस्टोरर की, कुल 1 वैकेंसी है। यहाँ आपका जो इनिशियली बेसिक पे रहेगा वो 19,900 रुपए रहेगा। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने मैट्रिक कर रखी हो, कैंडिडेट को हिंदी और संस्कृत की नॉलेज हो अप टू मैट्रिक या उसके हायर एजुकेशन में, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। छठी कैटेगरी में वैकेंसियां हैं यहाँ चौकीदार के लिए, कुल 4 वैकेंसियां हैं। यहाँ कैंडिडेट का जो बेसिक पे रहेगा वो 16,900 रुपए रहेगा। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने मिडिल स्कूल पास कर रखा हो और कैंडिडेट को नॉलेज हो हिंदी और इंग्लिश की, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इन चौकीदार की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और सबसे लास्ट कैटेगरी में वैकेंसी है यहाँ पे फरास के लिए, कुल 1 वैकेंसी। यहाँ जो आपका बेसिक पे रहेगा वो 16,900 रुपए रहेगा। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने मिडिल स्कूल पास कर रखा हो, कैंडिडेट को हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज हो, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑफलाइन मोड से भरे जाएंगे। कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके और हरियाणा विधानसभा सेक्रेटेरिएट के पते पर इनको भेजने हैं 15 दिन के अंदर अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की। कैटेगरी 1 से लेकर 4 तक की जितनी भी पोस्ट हैं उसमें जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल बोथ, उन सबको यहाँ पे 500 रुपए फीस पे करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स जितने भी हैं और वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ 250 रुपए फीस पे करनी है। SC, BC, EWS और एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं हरियाणा से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट, उन सबको यहाँ पे 250 रुपए फीस पे करनी है। PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी। और जितनी भी पोस्ट हैं कैटेगरी नंबर 5 से लेकर 7 तक, वहाँ जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल दोनों, उन सबको 250 रुपए फीस पे करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स जो हरियाणा के रेजिडेंट हैं उनको 125 रुपए फीस पे करनी है। SC, BC, EWS, एक्स सर्विसमैन जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको 125 रुपए फीस पे करनी है। और यहाँ भी PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई। यहाँ दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑफलाइन मोड से भरे जाएंगे और कैंडिडेट को जो एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो थ्रू DD पेमेंट करनी होगी। यहाँ दोस्तों इन्होंने इस नोटिफिकेशन में अभी तक कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं बताया गया है कि इन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा।
तो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं, वो इनके आगे के प्रोसीजर के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपडेट्स चेक करते रहें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।